بسم الله الرحمن الرحيم रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 साउंड आज हम इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं स्टूडेंट्स गुज़िश्ता वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि आवाज़ की जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं यानी उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है लेकिन अब बात यह है कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो भी फर्दर टू टाइप्स की होती हैं यानी उनकी मजीद दो टाइप्स हमें पता हैं नंबर एक ट्रांसवर्स वेव्स एंड नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स अब सवाल ये पैदा होता है कि आवाज़ की वेव्स मैकेनिकल वेव्स होने के बाद इन दोनों में से किस नेचर की होंगी आया कि वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी या वो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव्स होंगी तो इसका जवाब बेटा यहीं पे लिखा हुआ है कि आवाज़ की वेव जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं यानी उनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है ठीक है तो कबल इसके कि हम इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करें तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम एक दफ़ा डिफाइन ज़रूर कर लें ठीक है तो स्टूडेंट्स आपने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि द वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने डेफिनेशन मौजूद है आप इसको देख सकते हैं कि ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन नंबर एक चीज पहली चीज है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और नंबर टू है डायरेक्शन ऑफ मोशन दो चीजें यहां पे बेटा हमने डिस्कस की थी नंबर एक के पार्टिकल्स वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं उनकी वाइब्रेटिंग प्लान उनका कौन सा है ठीक है आया कि वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं या वो लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और दूसरी चीज डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि जो वेव्स हैं वो मूव किस तरफ कर रही हैं क्या वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हैं या वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं या किसी और एंगल पे जा रही हैं तो उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है ठीक है अगर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स अगर ये दोनों आपस में हों पैरेलल तो ऐसी सूरत में इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ठीक है या कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अच्छा जी स्टूडेंट्स इसके बाद आपने ये बात भी डिस्कस की थी अपने गुज़िश्ता लेक्चर्स में कि कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दो पार्ट्स होते हैं जिनमें से एक को हम कहते हैं कंप्रेशन नंबर वन पार्ट को कहा जाता है कंप्रेशन और कंप्रेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि द पार्ट ऑफ द वेव्स वेयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टूगेदर टू ईच अदर ठीक है यहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज नजर आते हैं उस पार्ट को हम कंप्रेशन का नाम देते हैं और दूसरा पार्ट इसका क्या होता है जी रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन क्या होता है जी द पार्ट
of waves where particles are far away from each other. यानी ये ऐसा पार्ट है जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर दिखाई देते हैं. तो ये भी हमें क्लियर हो गया, इस बात को भी हमने रिवाइज कर लिया. तो अब हम चलते हैं इस बात पे कि साउंड वेव्स को हम किस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह सकते हैं. इस बात को थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो चलें जी हम आगे बढ़ते हैं. जी तो स्टूडेंट्स, ये आपके बुक में से स्क्रीनशॉट लिया गया है, ये आपके सामने, इस बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपकी बुक के अल्फाज हैं. आप इनको यहाँ से साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ हम आज के टॉपिक को एक्सप्लेन भी करेंगे. जी तो स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स कैन बी अंडरस्टूड बाय अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक. हम इस बात को वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक की मदद से समझेंगे. ये आपके पास एक ट्यूनिंग फोक है. ये ट्यूनिंग फोक का जो ये प्रांग आपको नजर आ रहा है राइट साइड वाला, ठीक है, इसकी जो इस टाइम पोजीशन है, क्योंकि अभी ये वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो इस टाइम इसकी जो पोजीशन है वो ओ है, ठीक है. इसकी पोजीशन क्या है? ओ है. जब ये वाइब्रेशन करेगा तो ये ओ से ए की तरफ जाएगा, फिर ओ से बी की तरफ जाएगा, फिर बी से ए, फिर ए से बी, ऐसे ये वाइब्रेशन करेगा, ठीक है. इसके साथ हमें यह नजर आ रहा है कि इस ट्यूनिंग फोक के राइट साइड पे ये कुछ लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं. दरअसल ये हम एयर पार्टिकल्स इनको कंसीडर कर लेते हैं कि ये एयर पार्टिकल्स हैं या एयर की लेयर्स हैं, ठीक है, हवा की लेयर्स हैं, हम इनको यूं कंसीडर कर सकते हैं. तो इस टाइम आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो सारी लेयर्स हैं, ये एक दूसरे से तकरीबन बराबर फासले पे हैं. यानी कि इस टाइम इनकी जो डेंसिटी है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है. आपको बताया कि पार्टिकल्स का जो फासला है वही ये डिसाइड करता है कि डेंसिटी ज्यादा है या कम है, ठीक है. तो अगर पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और वो कंप्रेशन बन जाएगा, और अगर पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी और वो रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा. लेकिन अभी इस सूरत में जो डायग्राम आपके फर्स्ट डायग्राम फिगर ए आपको नजर आ रही है, इसमें डेंसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म है. यही बात लिखा है कि बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म, ठीक है. राइट साइड पे बिल्कुल डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है. अब क्या होगा जी, व्हेन द राइट प्रांग ऑफ ट्यूनिंग फोक मूव्स फ्रॉम मेन पोजीशन ओ टू बी, जब आप इसको हिट करते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि जब ये वाइब्रेट करेगा तो वो ओ से बी की तरफ जाएगा. तो जब ये प्रांग ओ से बी की तरफ मूव करता है, यानी इस तरफ ये मूव करता है ओ से बी की तरफ राइट साइड पे, तो ये जो एयर पार्टिकल्स थे इनको एक पुश मिलता है, इनको एक धचका मिलता है, एक पुश मिलता है, जिसकी वजह से ये एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यूं यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है या इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. इट एग्जर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसेस अ कंप्रेशन. अब ये कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किस टाइम? जब ये प्रांग ओ से बी की तरफ गया था. स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता है कि जब ये प्रांग ओ से बी की तरफ जाता है तो ये बी पे रुक तो नहीं जाता, बल्कि वाइब्रेशन करता है और बी से वापस पीछे भी आएगा, ए की तरफ आएगा. तो जब ये प्रांग बी से वापस आता है, यानी ओ और ओ से फिर वापस ए की तरफ आता है, तो ये जो इन लेयर्स के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव पड़ा हुआ था, जो एक पुश मिला हुआ था इनको, वो पुश रिलीज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है. और जब वो पुश खत्म हो जाता है तो यहाँ पे दोबारा से वो एयर पार्टिकल्स फिर एक दूसरे से दूर आ जाते हैं और अब ये एक रेयर फैक्शन प्रोड्यूस हो जाता है. और वो जो कंप्रेशन बना था, वो कंप्रेशन चूंकि अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, वो थोड़ा आगे की तरफ ट्रांसफर हो गया, लेकिन पीछे क्या हो गया, यहाँ पे एक रेयर फैक्शन प्रोड्यूस हो गया है. अगेन फिर आपको पता है, पहले चले हम पढ़ लेते हैं, दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर इज टर्न्ड कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन. यानी कि ये जो कंप्रेशन है ये अपनी
ये जो लेयर्स हैं ये अब कंप्रेशन आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. अब मूवमेंट लेटर थोड़ी देर के बाद द प्रांग बिगिंस टू मूव फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए. ठीक है, बी से ए की तरफ जब प्रांग आता है, नाउ द प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर डिक्रीजेस. इन लेयर्स के ऊपर जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो खत्म हो गया. एंड अ रेयरफैक्शन इज प्रोड्यूस्ड. दिस रेयरफैक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन. इसी तरह ये रेयरफैक्शन भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. आप देखें जितनी मर्तबा ये प्रांग बी की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, जितनी मर्तबा ये प्रांग ए की तरफ जाएगा तो यहाँ रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगा. और अब आपको पता है कि ये प्रांग तो बार बार अपनी मूवमेंट को रिपीट करता है, तो इसी की वजह से कंप्रेशन भी बार बार प्रोड्यूस होंगे और रेयरफैक्शन भी बार बार प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आवाज की वेव्स हैं उन वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होते हैं. दैट्स वाई हम उनको कंप्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं. तो ये थी आज कंप्लीट एक डिटेल कि हम साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का टाइटल क्यों देते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या थी, इस बात को आज हमने डिस्कस किया. मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा. इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.